युवा शक्ति जो है, सर नौजवान जो है, सूखे नशे के आदि हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है जी, वो बर्बाद हो गया। सर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों के वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है। नशाबंदी आपने किया, सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतर पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं विक्रांत। बिहार में शराबबंदी को लेकर लोकसभा में रामकृपाल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी की पोल खोल दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अब सूखा नशा के जद में युवक जा रहे हैं। हालांकि क्या कुछ करें रामकृपाल यादव, पहले जरा यह सुनिए। सर मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है, सर नौजवान जो है, सूखे नशे के आदि हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है जी, वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन सॉल्यूशन, वाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहाँ पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों के वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो ही रहा है, पर सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने किया, सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतर पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है, घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, माँ और बहन की। तो आपने सुना जिस तरह से रामकृपाल यादव ने बिहार में शराबबंदी के पोल खोलते हुए कहा है कि जिस तरह से जो युवा है अब वो सूखे नशा के जद में जा रहा है, यानी एक तरह से कहा जाए बीएस, सुलेशन, स्मैक, गांजा जैसे सूखा नशा का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिहार में कितना सफल होगा शराबबंदी, ये देखने की बात होगी।